नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरीन एकेडमी और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक जनरल पार्ट टू के ऊपर। सो लेट स्टार्ट। आज हम लोग दूसरा यूनिट पकड़ेंगे, वो है थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे वो है व्हाट डू यू मीन बाय थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? तो ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। इसका आंसर जो है वो काफी ज्यादा सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पर बुक्स में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। होता क्या है कि हमें पहले जानना होगा कि इकोनॉमी में जो होता है वो चार भाग में होता है। इकोनॉमी जो है चार भागों में डिवाइडेड है, प्रोडक्शन, कंज्यूम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। और हम लोग इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी चौथा वाला जो पार्ट है उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें फिर नेक्स्ट जो चीज़ आता है जिसके बारे में हम लोग जानना पड़ेगा वो है द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर, चार तरीके का फैक्टर लगता है, यानी लैंड लगेगा, लेबर चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, कैपिटल यानी पैसा, और ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योर जो भी हो, बिजनेसमैन, ये चाहिए। तो इसमें होता क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है? तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होता यह है कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि टोटल जो प्रोडक्शन है जितना भी, वो सारा का सारा प्रोडक्शन ये चार चीजों में बढ़ जाएगा, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों चीजों में बढ़ जाएगा। इस थ्योरी को कहते हैं द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, काफी सिंपल सा था। तो बस यही है, आप इस चीज को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही सिंपल है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लेकिन नहीं है। इसका कई सारे पार्ट्स है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे में चलकर डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ये अलग अलग जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, इसी के अंडर, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आ जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा मार्क का है तो इसका अंदर आप लोग ये भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए व्हाट इज, अगर दिया है व्हाट इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिंपल से यही है, ठीक है, कि टोटल जो प्रोडक्शन है उसको चार भाग में, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बांटना है इक्वली, तो उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस थ्योरी को। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।